हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो है कि अगर आप लोग जो ऑर्किड खरीद के लाते हैं तो ऑर्किड में ऐसा क्या चीज़ लगाइएगा, ऑर्किड का जो फ्लावर, ऑर्किड का जो कली होता है फूल, उसमें ऐसा क्या चीज़ लगाना है जो आपका ऑर्किड का जो कम से कम एक सीज़न से दो सीज़न चले। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे है। जिनको मालूम होगा उनके तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम होगा तो वीडियो को एंड तक देखिए, समझ गए ना। वीडियो कन चूँकि ऑर्किड फ्लावर जो है थोड़ा महंगा आता है, तो इस कारण जो है ऑर्किड में उस तरह का जो बॉन्ड आता है एक तरह का बॉन्ड आता है, वो बॉन्ड लगाना ज़रूरी है। और वो बॉन्ड आप ऑर्किड में लगा देते हैं ना, तो आपका ऑर्किड जो है मतलब लमसम एक सीज़न से दो सीज़न तीन सीज़न तक चल सकता है। ठीक है, बस उसको आराम से रखना है आपको। तो आज का वीडियो इसी पे है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड आपको कहाँ से लेना है, बॉन्ड कैसे लगाना है, कौन सा बॉन्ड है, पूरा डिटेलिंग वीडियो है इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से हम वीडियो लाते रहते हैं, चाहे वो फाइनल हो या डिटेलिंग वीडियो हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा कर उसको ऑल कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, ऑर्किड का जितना भी कली होता है ना, फ्लावर मतलब फूल जो लगा रहता है, उसके जड़ में बॉन्ड को देना है। ठीक है, सामने आप देख रहे हैं कि जड़ में इसको दिया रहा है, उसी तरह से जड़ में काजू जो इसका जो है, काजू में भी अगर लगाना चाहते हैं तो काजू में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप काजू में भी लगा सकते हैं, अगर काजू में नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते। जैसे कि हम अपने में हम जो खुद ऑर्किड खरीद के लाए थे उसमें लगा रहे हैं, तो काजू में हम नहीं लगा रहे हैं, ओनली फॉर उसका जो फ्लावर है नीचे जो पत्ता है उस पत्ता में लगा रहे हैं। आपको बॉन्ड कहाँ से लेना है सो देख समझ लीजिए। आप जहाँ से भी है, ठीक है, मतलब आपका जहाँ घर भी होगा, घर होगा वहाँ आपको जो बैनर जो जहाँ बनता है, फ्लैक्स बैनर जो बनता है जहाँ, जैसे कि किसी के दुकान में लगाने वाला बैनर नहीं बनता है, नाम लिखाने वाला बैनर, बैनर जो छपता है उसी दुकान में जाना है। उस दुकान में जा करके उसको कहेगा कि हमको बॉन्ड चाहिए। ठीक है, जो बैनर लोग जो बैनर चिपकाता है तो उसका जो बॉन्ड जो आता है ना थोड़ा हैवी होता है, बॉन्ड हार्ड क्वालिटी का बॉन्ड होता है, क्योंकि उससे बैनर चिपकता है। तो उसी के पास जाकर के आपको बॉन्ड लेना ले लेना है। यहाँ एक बॉन्ड का 40 रुपया पड़ा था, हम जो लाए थे ना तो एक बॉन्ड का 40 रुपया पड़ा था। वहाँ आप देख लीजिए कैसे आपको देगा नहीं देगा। देख लीजिए, ये ऑर्किड है जो नया नया ऑर्किड खरीद के लाए थे, इसमें का कली देख लीजिए, कली अगर खींचिएगा, देखिए खींचिएगा तुरंत खींचा देगा, देख रहे हैं ना। तो कुछ कुछ ऐसा मतलब ऑर्किड का कुछ कुछ ऐसा फ्लावर है जो तुरंत खींचा जाता है, और कुछ कुछ ऐसा फ्लावर है जो जल्दी नहीं खींचाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपको हमेशा तो जल्दी नहीं खींचाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड सही तरीका से नहीं मारा रहता है जहाँ से ये बन के आता है, ठीक है ना, जो फैक्ट्री से जहाँ से भी बन के आता है, तो बॉन्ड इसमें सही तरीका से नहीं बना हुआ मारा हुआ रहता है। इस कारण जो है पूरा फ्लावर इसमें जो है ख़राब हो जाता है, पूरा ऑर्किड आपका ख़राब हो जाएगा। ऑर्किड थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा हल्का खर्चा इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एक बार ये अगर बॉन्ड लगा लेते हैं तो आपका ऑर्किड जो है आराम से दो सीज़न खींच सकता है, दो से तीन सीज़न खींच जाएगा, खींच लेगा, ठीक है ना। सीज़न का मतलब हुआ कि दो से तीन लगन, ठीक है, आराम से खींच लेगा, दो से तीन साल खींच लेगा आराम से। उसको अगर गंदा हो जाता है तो फिर से इसको धो लीजिए, समझ गए ना। अगर गंदा हो जाएगा तो फिर से आराम से उसको धो लीजिए, फिर से काम चलाइए। तो समझ गए कि बॉन्ड आपको कहाँ से लेना है, ऑर्किड में कैसे, और मतलब ऑर्किड में जो है कहाँ पर कैसे बॉन्ड लगेगा। कार्नेशन में भी बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, कार्नेशन में बॉन्ड लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि कार्नेशन में अगर बॉन्ड लगाते हैं तो बहुत लंबा खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि कार्नेशन तो हल्का ज़्यादा कार्नेशन तो हल्का फल्का लेते नहीं है, कार्नेशन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रहता है, ठीक है, 500 या 1000 या 2000 पीस, तो उसमें लगाने में थोड़ा दिक्कत है। कार्नेशन थोड़ा कम रेंज में मिलता है, ऑर्किड थोड़ा ज़्यादा रेंज में मिलता है, इस कारण ऑर्किड में ही लगाना है। अगर आप लोग कंडीशन में भी लगाना चाहते हैं तो कंडीशन में भी लगा सकते हैं। अगर कंडीशन में लगा लीजिएगा तो उसका जो लॉक जो होता है, जो लॉक बार बार जो खुल जाता है, आप मतलब कार्नेशन बर्बाद हो जाता है, तो उस तरीका से नहीं होगा, क्योंकि हम अभी तक यूज नहीं किए हैं, ओनली फॉर हम ऑर्किड में ही लगाए हैं, ठीक है। जो महंगा फ्लावर आता है ऑर्किड उसी में ही लगाए हैं, कार्नेशन में आज तक हम नहीं लगाए हैं। तो लोहा का भी फ्रेम अगर बनवाना हो फ्लावर डेकोरेशन लाइन से, तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ इस तरह का बॉन्ड मिलता है, आप अपने यहाँ देख लीजिएगा किस तरह का बॉन्ड है, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं चैनल पे,
अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को दबा करके उसको ऑल कर दीजिएगा, और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है ना। बस इसी हिसाब से लगाना, ये देखिए ये पूरा पैकिंग है, ये जो बॉन्ड का जो डिब्बा है ना पूरा पैकिंग है। 40 रुपया 50 रुपया में आपको आराम से मिल जाएगा, यहाँ 40 रुपया में मिलता है, यहाँ भी हर तरह का है, छोटा रहेगा 40, बड़ा रहेगा 50, उससे बड़ा 60, मतलब जैसा लीजिएगा उस तरह का आपको बॉन्ड का दाम पड़ेगा। ऐसे हिसाब से पत्ता में भी, नीचे में दो गो पत्ता है, पत्ता में भी लगाना है, हर एक फ्लावर के जड़ में लगाना है, जो भी फ्लावर है ना ऑर्किड फ्लावर का जो जड़ है वो जड़ में लगा लेना है। नीचे ऊपर देख रहे हैं काजू लगा हुआ है, काजू में भी अगर लगाना चाहते हैं तो काजू में भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना है तो काजू में भी आराम से लगा रहता है। तो चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड